तो हम हमने जो शांति मिला है आप लोगों को ये शांति बांटने के लिए आया हूँ। Is it for me? Is it for me?
तो दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले हम आप सभी से बता देना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और मैं बता रहा था कि अब हमारी बारी है उन्हें ढूंढने की कि वो क्यों मुझे प्यार करते हैं। अगर जब भी कोई हमें कहता है कि वो देखो वो तुमसे प्यार करता है तो हम यूं ही ओके ठीक है कह के नहीं छोड़ देते हैं, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ रहता है क्या करता है। उसी तरह परमेश्वर प्रभु ये सब से प्रेम करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें ढूंढे कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं और वो क्यों मुझे प्यार करते हैं और उन्होंने क्यों मुझे इतना प्रेम किया कि अपनी जान तक सूली पे कुर्बान कर दिया। तो प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और चंद्र ने इस प्रकार कहा कि हम सभी पापी है। हर धर्मशास्त्र हमें यह कहता है कि हम पापी है, हमारा जन्म ही पाप से हुआ है और हम इस पाप स्वभाव को लेकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। सभी लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं लेकिन अपने मन में अपने हृदय में पाप को लेकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते और हम सभी जानते हैं हर धर्मशास्त्र हमें यह समझाता है कि हमारी परमेश्वर से जो मित्रता थी वो टूट चुकी है, हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। इसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो परमेश्वर को खुश करे, वो परमेश्वर को रिझाए अपने कर्मों द्वारा और अपने धर्मों द्वारा। लेकिन धर्मशास्त्र ये कहती है कि हम अपने कर्मों द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते, हम अपने अच्छे कर्म द्वारा और अपने धार्मिक कार्य द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हमें स्वर्ग जाना है तो हमें एकमात्र प्रभु यीशु और उनके बलिदानों को विश्वास करना पड़ेगा कि उन्होंने अपना जान आपके लिए सूली पर चढ़ा दिया। वही एकमात्र परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करना करते हैं कि वे स्वयं मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आए ताकि वे आपसे आप सभी को बचा सके। तो आज का इस प्रोग्राम को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और जो भी ड्रेस आप लोगों को हमने दिया है उस ड्रेस को पढ़िए, वहाँ पे परमेश्वर के विषय में कुछ जानकारियां लिखी हुई है। और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो फोन नंबर है, संपर्क कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप परमेश्वर के प्रेम को गहराई से देख